माँ की महिमा क्या है, आगे विषय में दो चार लाइनें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। माँ संवेदना है, भावना है और एहसास है, और माँ जीवन के फूलों में खुशबू की वास है। माँ रोते हुए बच्चों का खुशनुमा पलना है, माँ मरुस्थल में नदी और मीठा झरना। माँ ग्लोरी है, जीत है, एक प्यारी सी थाप है, और माँ पूजा की थाली है और मंत्रों का जाप है। माँ आंखों में सशक्ता हुआ एक किनारा है, और माँ गालों पर पप्पी और ममता की धारा है। माँ मेहंदी है, कुमकुम में सिंदूर है और होली है, और माँ झुलसते हुए दिनों में कोयल की होली। माँ कलम है, दवात है और स्याही है, और माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है और सेवा है, और माँ फूंक से ठंडा किया हुआ एक कलेवा है। माँ अनुशासन है, त्याग है और जीवन का हवन है, और माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के दो कंधों का नाम है, और माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है और हिचकी है, माँ बच्चों के चोट पर एक सिसकी है। माँ चूल्हा धुना, रोटी और हाथों का छाला है, और माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है और दूरी है। माँ पृथ्वी है, जगत है और दूरी है, और माँ के बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ की कथा अनादि है, अध्याय नहीं है, और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। माँ के नाम की कविता माँ के नाम पढ़ता हूँ, माँ के नाम की कविता माँ के नाम पढ़ता हूँ, और दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ।